डुवर्सको जोडा क्षेत्रमा आइतबार दिउँसो सहित दुर्गा मल्लको शालिग अनावरण कार्यक्रममा जयन्त रोय र विमल गुरुङ एउटै मञ्चमा उपस्थित रहेका थिए दुवैको बाहुलीबाट शालिगको अनावरण पनि भयो शालिग स्थापना गरिएको ठाउँलाई दुर्गा मल्ल मोड भनेर नामाकरण पनि गरिएको छ दुवैलाई मानिसहरूले भव्य स्वागत जनाए भने त्यहाँ पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै विमल गुरुङले राजु विष्ट बनाउने पनि मै हुँ जोन बारला बनाउने पनि मै हुँ म जातिको हितको लागि जे पनि गर्न सक्छु बङ्गाल अर्थात् चट्टान चट्टानमा कमल फुलाएको छु भने अब सरकारले पनि गोर्खा जातिको भने अब सरकारले पनि गोर्खा जातिको भलाइ हेतु समाधानको मार्ग निकालेर काम गर्नुपर्ने आशय प्रकट गरेका छन् आज पाँच तारिकका दिन मेजर दुर्गा मल्ला सही दुर्गा मल्लाका शालिक जो उद्घाटन उसमा मेरो गोपी बुला बहुत आज खुस हो क्यो कि यही पथरझोडा एरियामै बहुत दिनको बाद म आउँ आज यही शालिक निर्माणका विषयमा मैं सभी ऑर्गेनाइज कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मेरे को यहां यहाँ आने का मौका दिया तो मैं चाहता हूँ कि बहुत ही कमेटी का धन्यवाद पात्र हूँ और संग संग में जो मेजर दुर्गा मल्ला का जो भारत देश में दिए हुए जो आवती है उसके लिए मैंने दो सब कहने कह चुका हूँ इसलिए मैं आने वाला दिन में भी जितना भी ये जो ये कमेटी है कमेटी ने जो मेहनत परिश्रम किया है तो छोटा सा छोटा भेंट मैंने दिया है और में आने वाला दिन में और अच्छा माहौल बनाने के लिए हम उसका साथ में रहेंगे मैं यही चाहता हूँ कि आज जयंत तरह भी यहाँ पर था और थोड़ा मेरा अब जाति के लिए भी मैंने बोला कि हमारा जो जाति के लिए न्याय होना चाहिए तो कल इन बन के जाएगा तब हमारा ऐसा ही बात रह जाएगा इसलिए हम लोग चाहता हूँ कि हमारा भी कुछ ना कुछ देखिए क्योंकि गए देवी को भी हमने बनाया संग संग में राजू बिष्ट को भी बनाया और कितना बनाए और हम लोग को भी जाति को उन्मुक्ति करने के लिए काम करना चाहिए मैं इसी हिसाब से भी थोड़ा सब किया इतना काम किया कितना काम आप सा तो गोरखालैंड तो हमारा तो ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जहाँ जाऊँ जहाँ बैठूँ वहाँ पर तो करेगा ही चाहे मेरा ऊपर जो भी हो मैं उसका परवाह नहीं करता हूँ मेरा जाति का मेरा कम्युनिटी का भलाई के लिए मैं काम करता हूँ का अच्छा होगा हंड्रेड टेन परसेंट जीत जाएगा हाँ तो बंगाल में कमल चट्टान में कमल का फूल फूलाने वाला आदमी हूँ मैं हाँ तो उसका आगे तो नहीं था ना एक पंचायत का मेंबर भी नहीं था तो अभी तो अठारह हो गया तो फिर अठारह होने के बाद में हम लोग को भूल गया ऐसे नहीं भूलना चाहिए एनपीको बोले कि आने वाला दिन में हमारा जो है का जो डिप्राइव जो हमारा कम्युनिटी है उसके भलाई के लिए काम गर्न चाहिँ अरू हाम्रा जित्दा डेढ करोड गोर्खा के एक भलाई जो हमारा आइडेन्टिटी क्राइसिस है उसका फुलफिल करने के लिए काम करना चाहिए अर्कोतिर जयन्त रोयले पनि विमल गुरुङले भनेको कुरालाई संसदमा उठाउने दिशामा आफ्नो सहयोग रहेको बताएका छन् দুর্গা মোল্লা ভারতের স্বতন্ত্র সংগ্রামী যিনি আমাদের দেশের জন্য দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশ দেশের জন্য জীবন বলিদান করেছিলেন আত্মবলিদান করেছিলেন তারই উদ্দেশ্যে তারই তাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করার জন্য এখানে একটা মূর্তি স্থাপন হলো একটা সামাজিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই মূর্তি স্থাপনে আমাকে ডাকা হয়েছিল আমি তাই এখানে এসেছি এবং বিমল গুরুং যেহেতু তিনি গোর্খা সমাজের একজন লিডার ওনাকেও এখানকার যারা সংস্থা শালিক যে সংস্থা তারা ডেকেছে উনিও এসছেন এখানে নিশ্চয়ই আমরা চেষ্টা করব কিছু ডিমান্ড তো অলরেডি আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আমরা তুলেওছি এরপরেও নিশ্চয়ই আগে আগামী দিন আমরা তুলব সেই বিষয়গুলো